अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज 29 जून सन 2022 आज के बाजार के सितारों में हम चर्चा करेंगे राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, कृषि जिन्सों में होने वाली हलचल, शेयर बाजार में कहां संभावना है, साथ साथ नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या रहेगा। गौरतलब है कि हमने आपको कल कॉपर और सोने चांदी के अंदर तेजी की बात कही थी, कच्चे तेल में तेजी की बात कही थी जो कि अक्षर सत्य साबित हुई। साथ साथ शेयर बाजार के अंदर भी हमारा पूर्वाकलन सत्य साबित हुआ, साथ साथ कृषि जींस में जीरा, धनिया एवं कपास खली के ऊपर भी हमारा अनुमान सही साबित होता देखा गया। अब सबसे पहले बाजार के सितारे, आपका राशिफल। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की होती हैं 3 राशियां, 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि। आज दिन मिश्रित रहने की संभावना है। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। दिन आपके लिए आज अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में बन सकने की संभावना है। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये है वायु तत्व की राशियां, मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही हैं। 4, 8, 12 जी हाँ कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, यह है जल तत्व की राशियां। दिन संभवतः मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती है, धैर्य जवाब दे सकता है, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। अब कृषि जींसों में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। कृषि जींस के अंदर महत्वपूर्ण एग्रो कमोडिटीज गवार सीड उतार चढ़ाव देख सकता है, अतिरिक्त सावधानी रखनी उचित रहेगी। इसके अतिरिक्त लाल मिर्च में आज तेजी बनी रहने की संभावना बन सकती है, जल्दबाजी में बेचने की कोशिश ना करें। आज लाल मिर्च तेज दिखा सकती है स्पॉट प्राइसेस के अंदर। दोस्तों जीरा, धनिया और सोयाबीन, मसालों में जीरा एवं धनिया महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, साथ साथ सोयाबीन ऑयल सीड में एक बहुत महत्वपूर्ण कमोडिटी है। इन 3 कमोडिटीज़ के अंदर आने वाले 2 से 3 महीने में बहुत ज़बरदस्त उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। क्या ये तेज़ी रहेगी या मंदी, हमारे अगले एपिसोड्स को आप बहुत ध्यान से देखें, इसके ऊपर हम विशेष चर्चा करेंगे। फिर मत कहना हमने आपको आगाह नहीं किया था। गौरतलब है कि जीरे धनिया में हमने सबसे पहले आपको तेजी की बात कही थी जो कि अक्षर सत्य साबित हुई, साथ साथ सोयाबीन के अंदर भी साल 2021 में आपको तेजी की बात कही थी, शानदार तेजी रही। साल 2022 के जनवरी महीने के अंदर भी हमने तेजी की बात कही थी, अक्षर सत्य साबित हुई। उसके बाद आपको कहा था मंदी के जड़ लग सकते हैं झटके, और शानदार झटके अब बाजारों में देखने को मिल रहे हैं। अब आगे क्या संभावना बनती है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त उतार चढ़ाव रह सकता है। आप अधिक जानकारी के लिए आप हमसे बात भी कर सकते हैं, लेकिन अगले एपिसोड्स को बहुत ध्यान से देखें। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं शेयर बाजार की। शेयर बाजार यानी ना केवल भारतीय शेयर बाजार अपितु ग्लोबल मार्केट, स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इंटरेस्ट रेट में लगातार बढ़ोतरी, इन्फ्लेशन यानी महंगाई दरों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी शेयर बाजार को परेशानियों में डाल सकता है। गौरतलब है कि कच्चे तेल में दोबारा तेजी दर्ज हुई, जिसका पूर्वाकलन हमने आपको दिया था। इससे भारतीय रुपया कमजोरी का यानी लोएस्ट भाव, हिस्टोरिकल लोएस्ट भाव देखे गए। अमेरिकन डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 79 रुपीज पर अमेरिकन डॉलर के लोएस्ट स्तर पर, हिस्टोरिकल लोएस्ट स्तर के ऊपर देखा गया, जिसका पूर्व आकलन विश्लेषण हमने आपको लगातार अपने शोज के जरिए दिया था। तो दोस्तों आज शेयर बाजार के अंदर कमजोरी की संभावनाएं बन सकती हैं, विशेष ख्याल रखें। बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर विशेष ख्याल रखें, संभवतः कमजोरी दिखाई दे सकती है। डिफेंसिव स्टॉक्स के ऊपर आप जरूर नजर रख सकते हैं, लेकिन अभी टाइम इन्वेस्टमेंट का नहीं है, अभी धैर्य का समय है।
ये था स्टॉक मार्केट पर आज का विश्लेषण। अब हम चर्चा करेंगे नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों आपको याद होगा कल हमने कच्चे तेल के ऊपर और कॉपर के अंदर तेजी की बात कही थी, सही साबित होती देखी गई। अब कॉपर और कच्चे तेल में उतार चढ़ाव आने वाले दो दिन में रह सकते हैं, विशेष ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप अपनी राय हमेशा हमें अवश्य दीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर हमारी महत्वपूर्ण रिसर्च एवं मार्केट खबर को हम आप तक सीधा नोटिफिकेशन के जरिए भेज पाएँ। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।